मकरतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। सर्वप्रथम मेरा प्रणाम है आपके अंदर विराजमान उस दिव्य शक्ति को। तप कितना लघु शब्द है। तप परंतु ये साधना का आधार है। तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप से ही सब कुछ संभव होता है। तपबल तेजग सृजई विधाता, तपबल विष्णु भय परित्राता। तपते शंभु करहि संगारा, तपते अगम नहीं कछु संसारा। तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। स्वयं के वास्तविक स्वरूप का बोध तप से ही संभव है और दूसरा कोई माध्यम नहीं है। केवल पढ़ने से, केवल अध्ययन करने से तप नहीं है। केवल आचरण ही तप नहीं है। तो तप है क्या, इसके लिए हमको चलना होगा श्रीमद् भगवद गीता की शरण में, जहां पर श्री कृष्ण ने तप का बहुत ही सुंदर स्वरूप से व्याख्या की है। सात्विक, राजसी, तामसी, तीन प्रकार का तप बताया है भगवान ने। देव, द्विज, गुरु प्राज्ञ पूजनम, शौचम मार्जवम, ब्रह्मचार्यम अहिंसा च शरीरम तपुच्यते। सर्वप्रथम श्री कृष्ण शरीर का तप बताते हैं। उनके अनुरूप तप शरीर से, वाणी से और मन से, तीनों से किया जाए तो ही तप है। ये तीनों ही तो कारण है आपके इस शरीर में स्थित होने का। तो जब शरीर, वाणी, मन तीनों से तप किया जाएगा, तीनों को एक ही जगह पर लगाया जाएगा, तो वो वास्तविक तप कहलाएगा। यदि केवल वाणी से तप करते रहेंगे और मन से नहीं करेंगे, या मन से करते रहेंगे और शरीर से नहीं करेंगे, या शरीर से करते रहेंगे और वाणी और मन से नहीं करेंगे, तो आपका तप तो बहुत अधूरा रह जाएगा। जो तप अधूरा रह जाएगा तो ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। यदि अपने वास्तविक स्वरूप का बोध चाहते हो, यदि आत्म साक्षात्कार चाहते हो, यदि ईश्वर की प्राप्ति चाहते हो, यदि उस असीम आनंद की अनुभूति चाहते हो, उस अनंत आनंद के समुद्र में डूबना चाहते हो, समाधि चाहते हो, सुख चाहते हो, तो उसके लिए तप करना होगा। सुखम तुदानिम त्रिविधम श्रृणु में भरतर्षभ, अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम जाने गच्छति। सुख भी तीन प्रकार का होता है, उसको ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण बोलते हैं, उसके अभ्यास से मनुष्य दुख को प्राप्त नहीं होता। यत् तग्रे विषम एव प्रणामे अमृतोमपम, तत् सुख सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम। जो शुरू में कष्ट देने वाला होता है परंतु बाद में अमृत के समान होता है, वो सुख सात्विक है। तो तप में आनंद नहीं है, इतना आप जान लीजिए। तप एक सात्विक सुख की मानती है। शुरू में तो सजा है, सजा के बाद मजा है। तो साधना अपने आप में एक सजा है, तप अपने आप में एक सजा है। परंतु जो आप तप को कर लेंगे,
तो जीवन का आनंद आना शुरू हो जाएगा। तो आइए तप के विषय की ओर वापिस चलते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम मार्जवम ब्रह्मचार्य हिंसा च शारीरम तप उच्चते। अपने से बड़ों का मान, देवताओं का पूजन, शुद्धि, शौच यानी शुद्धि, केवल भीतरी शुद्धि नहीं बाहरी शुद्धि भी, और केवल बाहरी शुद्धि नहीं भीतरी भी। तो भीतर और बाहर रूप से शुद्ध, और आर्जवम अर्थात सरलता। अगर बहुत फूहड़पन में जिएंगे, बहुत आडंबर में जिएंगे, तो सरलता स्वतः ही भाग जाएगी। जो सरलता नहीं रहेगी जीवन में, तो आपके जीवन में एक बोझ आ जाएगा। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, जिसके जीवन में सरलता है उसके जीवन में सुख स्वतः ही आना शुरू हो जाता है। जब सरलता नहीं रहती तो मनुष्य को जीवन को किसी दूसरे ढंग से जीना पड़ता है, दूसरों के अनुरूप जीना पड़ता है, क्योंकि दिखावा तो हमेशा दूसरों के लिए होता है ना, स्वयं के लिए कैसा दिखावा। तो एक सरलता होनी चाहिए, आर्जवम जिसको बोलते हैं। ब्रह्मचर्य, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक महती, एक विशाल शब्द है ब्रह्मचर्य। क्या ब्रह्मचर्य का अर्थ ये है कि मनुष्य अपने वीर्य का त्याग ना करे या काम का भोग ना करे? ऐसा नहीं है। प्रजनश्च कंदर्पस्मि, श्री कृष्ण बोलते हैं दशम अध्याय में कि संतान उत्पत्ति के लिए जो काम का भाव है वो मैं ही हूं अर्जुन। परंतु ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल ये नहीं है कि मनुष्य ने भोग का त्याग कर दिया है, शरीर से भोग का त्याग कर दिया, अर्थात स्त्री के साथ संसर्ग का त्याग कर दिया है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है जिसका आचरण ब्रह्म में स्थित रहे, जो ब्रह्म में ही चर्या करे, जो ब्रह्म में ही चले। मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्यहम, हम मेरी योनि ही अर्जुन ब्रह्म है, श्री कृष्ण बोलते हैं, जिसने समस्त विश्व को, समस्त संसार को, समस्त सृष्टि को अपने गर्भ में धारण किया हुआ है। संभवति सर्वभूतानां ततो भवति भारत, जिससे यह समस्त सृष्टि संभव है वो मैं ही हूं, मेरी ब्रह्म ही मेरी योनि है। तो जो सब में ईश्वर को देखता है वही ब्रह्मचारी है, जो सब में ब्रह्म को देखता है, ब्रह्म में ही स्थित है, ब्रह्म में ही तिष्ठ है, वही ब्रह्मचारी है। एक गृहस्थी भी उतना ही ब्रह्मचारी हो सकता है जितना कि एक ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचारी के आश्रम का, ब्रह्मचारी के धर्म का पालन कर रहा है। तो शरीर का तप है गुरुओं का, देवताओं का, अपने से बड़ों का मान आदर, सरलता ब्रह्मचार्य, और अहिंसा। कोई आपसे कैसा व्यवहार करता है ये शायद आपके हाथ में पूर्ण रूप से नहीं है, परंतु आप किसी से कैसा व्यवहार करते हैं ये पूर्ण रूप से आपके हाथ में है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये तप कैसे हुआ? मन को अपने अनुरूप चलाना ही तप है। यदि मन आपके अनुकूल रहेगा, मन आपके अनुरूप चलेगा, तो शरीर और वाणी भी आपके अनुरूप ही चलेगी। कुछ भी बोलने से पहले विचार तो मन में ही उत्पन्न होता है, कुछ भी करने से पहले उसको करने का, उस कर्म को करने का विचार भी मन में ही उत्पन्न होता है। तो आपके जीवन में यदि आपको ऐसे अपने से बड़े मिलते हैं जिनका आप आदर नहीं करना चाहते, उनकी आपको कुछ बातें नहीं भाती, उनका आदर करना ही तप हो गया। क्योंकि जो आप नहीं करना चाहते मन को वो करवाना, वो मन का तप है, वो शरीर का तप है, वो वाणी का तप है। तब से ही मन वश में होता है, तब से ही मन समझता है कि जिसके शरीर में मैं स्थित हूं मुझे इसके अनुरूप चलना है, ये मेरे अनुरूप नहीं चल रहा, मैं इसका नौकर हूं, ये मेरा सेवक नहीं है। यही तप है। कोई आपसे हिंसा करता है तो ये आपके हाथ में है, आप उससे हिंसा वापस करते हैं या अहिंसा में उसका उत्तर देते हैं। हिंसा का उत्तर हिंसा से देना तो बहुत आसान है, बहुत सुलभ है, बहुत सुगम है, वो कोई तप ना हुआ।
परंतु कोई आपसे हिंसा करता है, उसके बदले में आप उसका उत्तर अहिंसा से देते हैं, तो वो तप हुआ। उसी को तो तप बोलेंगे ना, जो करना श्रेष्ठ है परंतु जिसको करने में कष्ट है, परंतु आप उसको इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपके आचरण के लिए, आपके मन की प्रसन्नता के लिए, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए वही श्रेयस्कर है, वही श्रेष्ठ है। जब ऐसा आचरण करते हैं तो वही तप हो गया। एक बार एक गांव की बात है, कुछ बच्चे खेल रहे थे मैदान में, तो एक साधु चला जा रहा होता है, तो बच्चे उसको रोक देते हैं, बोलते हैं महाराज जी आप उस ओर ना जाएं। तो साधु पूछता है क्यों भाई, मेरा तो यही मार्ग है, मैं जिस मार्ग पर चलता हूं वही मेरा मार्ग बन जाता है, मुझे किसी चीज का कोई भय नहीं है। वो बोलते हैं महाराज जी वहां पर एक बहुत जहरीला सांप है, कोई भी उसके पास जाता है, उधर से गुजरता है, उसको काट लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है जो जिसको भी वो काटता है, इसलिए हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आपको आगाह करना हमारा धर्म था, हमारा फर्ज था, बाकी जैसी आपकी इच्छा। तो वो साधु बोलते हैं कि नहीं मुझे तो उसी ओर जाना है, चल पड़ते हैं। आगे वो सर्प उनको मिल जाता है, परंतु साधु तपस्वी था इसलिए सर्प से उसको कोई भय नहीं है, और वो अपने मन में उसने निश्चित रूप से धारण किया हुआ है कि मुझे इसका उत्तर अहिंसा से ही देना है, मेरे साथ कोई भी हिंसा करे मुझे अहिंसा में ही स्थित रहना है। तो साधु का अहिंसा का धर्म था कि उसको उसके साथ कैसा ही व्यवहार क्यों ना किया जाए, उसको अहिंसा से ही उत्तर देना है। उस सर्प उसको मिल जाता है, अपने तप से उस साधु में इतना बल होता है कि वो किसी भी जीव से उसकी भाषा में बात कर सकता है। तो जैसे ही सर्प उसके पास आता है, वो साधु का तेजस देखकर क्षुब्ध हो जाता है, स्थगित हो जाता है, स्तंभित हो जाता है। तो वो साधु उसको समझाता है कि अरे मूढ़ जीव, तो अपनी योनि को तो देख, तो एक सर्प की योनि में पड़ा हुआ है, भुजंग है, अपने पेट के बल पर चल रहा है, तो क्यों इन बालकों को परेशान करता है, ये तो अपना खेल रहे हैं, तू ऐसे हिंसा मत कर, तू अहिंसा में स्थित हो। व्यक्ति यदि वही बोलता है जो उसका आचरण होता है, तो उसकी वाणी में स्वतः ही अत्यंत प्रभाव होता है, क्योंकि वो साधु स्वयं अहिंसा में स्थित था, इसलिए जैसा उसने प्रवचन किया उसको, तो सर्प पर तुरंत उस चीज का प्रभाव हो जाता है, और वो सर्प संकल्प धारण करता है कि अब से मैं अहिंसा नहीं करूंगा। तो साधु वहां से चल पड़ता है, उसको बोलता है अब से 3 महीने के बाद मैं यहां पे वापिस आऊंगा, और तब तुझसे आता हुआ बात करके जाऊंगा, तेरी आध्यात्मिक उन्नति को देखता हुआ जाऊंगा। वो सर्प उस दिन से अहिंसा का जीवन व्यतीत करना शुरू कर देता है, परंतु बहुत जल्दी उसके भूखे मरने की नौबत आ जाती है। वो खाए किसको, किसी को खाएगा तो वो हिंसा हो जाएगी। धीरे धीरे करके ये बात गांव में फैल जाती है कि वो सर्प अब किसी को नहीं काटता, और ना ही डसता है, ना ही किसी को दुख दे रहा है। तो गांव के बच्चे उसके पास जाते हैं, सर्प के पास, सर्प को छेड़ते हैं लाठी के साथ। सर्प को क्रोध आता है कि मैं इनको अभी विष युक्त डंक से इनका नाश कर दूं, परंतु वो कुछ नहीं करता। उसको अपने गुरु की बात याद आ जाती है कि मुझे अहिंसा में स्थित रहना है। तो गांव के बच्चे उसको पकड़कर रस्सी की भांति उठाकर उसको जगह जगह पटकना शुरू कर देते हैं। सर्प बेचारा लहू लुहान हो जाता है, जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है।
3 महीने लगभग सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ वो अपने प्राणों को बचा लेता है। उसके मन का भाव होता है कि मृत्यु समय मेरे गुरु मेरे पास रहे, वो महाराज जी मेरे पास रहे जिन्होंने मुझे ज्ञान का उपदेश दिया था। 3 महीने बीत जाते हैं, साधु जो सत्यव्रती था अपने वचनों के अनुरूप उसी रास्ते से वापिस आता है और आता हुआ सर्प के पास रुक जाता है। देखता है सर्प तो मरना सा हुआ पड़ा है, मरने जैसा हुआ पड़ा है और सबसे पूछता है तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की। बोला महाराज जी मैं अहिंसा में स्थित था इसका मुझे ये फल मिला। तो वो संत बोलते हैं कि तू वास्तव में ही मूर्ख है और मूर्ख ही रहेगा। मैंने तुझे डसने से मना किया था, फुंकारा मारने से थोड़े ना मना किया था। अपने आप को बचाना तो है ही, किसी को मारना नहीं है। और हाँ जहां तक तेरे भोजन की बात है, तेरा तो स्वाभाविक कर्म है चूहे को खाना, दूसरे जीवों को खाना, वो हिंसा या अहिंसा का कार्य नहीं है। यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो तुम कैसे साधना करोगे, शरीर माध्यम खलदलु साधनम, तो शरीर को तो बचाकर रखना है ना। ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई कि अहिंसा में स्थित होने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपना बचाव भी मत करो। जहां जहां कभी प्रतिकूल स्थिति में आपको यथासंभव साम दाम दंड भेद लगाना है उसको लगाइए। यही तो श्री कृष्ण ने बताया महाभारत का युद्ध करके। परंतु अहिंसा का अर्थ है कि किसी को नाजायज ही कष्ट नहीं देना चाहिए, और हिंसा की कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिससे हम हिंसा को जस्टिफाई कर सकें। कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिससे हम कह सके कि हमारा हिंसा करना सही था। तो बचाना है ठीक है, बच के रहिए, परंतु अहिंसा में स्थित रहना ही तप है। कोई आपसे कुछ अनुचित वचन बोलता है, आपको क्रोध आ जाता है, क्रोध कर दिया तो वो हिंसा का ही भाव हुआ। हिंसा केवल हाथों से नहीं है, केवल इंद्रियों से नहीं है, केवल शरीर से नहीं है, वाणी से भी हिंसा है, मन से भी हिंसा है, और प्रत्येक प्रकार की हिंसा आपको क्षीण कर देगी, आपको कमजोर बना देगी। हिटलर से ज्यादा हिंसक कौन हुआ होगा इस विश्व में, परंतु अपनी हिंसा के कारण ही वो हर समय एक भय में रहता था, भयभीत रहता था, उसको एक डर था। जो हिंसक नहीं है उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। तो यही है शरीर का तप, सरलता जीवन में, आचरण में, व्यवहार में, आदर। क्योंकि आदर आप तभी दे सकते हो मन से जब मन में अहंकार नहीं है। जब अहंकार है तो आदर कैसे दे दोगे। तो यदि बाहरी रूप से आदर देना शुरू कर दोगे, हो सकता है भीतर का अहंकार अपने आप थोड़ा सा कम हो जाए और ब्रह्मचर्य। ये हो गया शरीर का तप। अनुद्वैग कर्म वाक्यम सत्यम प्रेहितम च यत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांग्मयम तपुच्यते। अब ठाकुर जी वाणी का तप बताते हैं अर्जुन को, अनुद्वेग करने वाले वाक्य जो किसी में उद्वेग ना उत्पन्न करें अर्जुन, वो वाणी का तप है। जो दूसरे को प्रसन्न रखे, जो सत्यभाषी हो, कटु ना बोले। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ लोग इतना कटु सत्य बोलते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है उनके सत्य को सुनकर कि वो सत्यभाषी होने से ज्यादा कटुता में आनंद ले रहे हैं। तो ऐसा कटु सत्य नहीं बोलना है। प्रत्येक बात को बोलने का एक ढंग होता है, एक 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 विशेष ढंग होता है, उसमें बोलना है। तो क्यों ऐसे वचन बोलते हो जिससे दूसरे की आत्मा को कष्ट हो। इंग्लिश में बोलते हैं If you don't have anything nice to say, better shut up.
अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो क्यों बोल रहे हो? चुप रहो। जरूरी नहीं है कि आपको बोलना ही है, जरूरी नहीं है कि आपको दूसरे को कष्ट ही देना है। कोई आपके लिए भोजन बनाए, आपको भोजन पसंद ना हो, भोजन नहीं पसंद तो ठीक है, चुप रहिए। जरूरी नहीं है कि आपको उसको वाणी से प्रहार करना है एक के बाद एक के बाद एक कि आज ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, ऐसा नहीं ठीक, कभी भी नहीं ठीक होता। अगर कुछ अच्छा नहीं है बोलने को तो चुप रहें। यही वाणी का तप है। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, अभ्यास करना अपने धर्म के शास्त्रों का, थोड़ा बहुत पठन, थोड़ा बहुत अध्ययन, थोड़ा स्तुति, थोड़ा स्तोत्र, उसको करना वाणी का तप है। अर्जुन मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि रे तपो मानसम मुच्यते। जो मन से प्रसन्न रहे, जो प्रत्येक वस्तु जो उसको प्राप्त होती है उसको ईश्वर की कृपा माने और अपनी इंद्रियों को निग्रह करे, मन का शमन करे और मौनम की स्थिति में रहे यथासंभव। देखिए एक बहुत ही गहरी सूक्ष्म रहस्य की बात है कि मौन को मन का तप बताया गया है, वाणी का तप नहीं बताया गया। जो मन मौन होगा तो वाणी अपने आप मौन हो जाएगी। केवल वाणी को मौन रखा परंतु मन में विचार आ रहे हैं 60,000 और शरीर से आप इशारे किए जा रहे हो और लिख लिख के बातें किए जा रहे हो, ऐसे मौन का क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। भाव संशुद्धि रे तप मानसम मुच्यते, स्वयं के भाव की शुद्धि करते रहना, जिसको बोलते हैं कि आत्म विश्लेषण करना, अपने भीतर जाकर अपनी खोज करना कि मैं ऐसा क्यों हूँ, जो मुझ में कुछ ऐसे विकार हैं जिनको मैं नहीं चाहता, उन पर चिंतन करके उनको दूर करना ही भाव संशुद्धि का उसको संज्ञा दी गई है। भाव संशुद्धि रे तप मानसम मुच्यते, वही मन का तप। तो कृष्णा ने तो अर्जुन को मात्र यही तीन प्रकार का तप बताया है। उसके बाद बहुत ही सुंदर ढंग से वो उनको बताते हैं कि सात्विक, राजसी और तामसी तप कैसा होता है। श्रद्धया पर्या तप्तम तपस्त्रिभिर नरः अफलकांक्षभिर युक्तः स सात्विक परिचक्षते। जो तीनों प्रकार का तप करता है, शरीर से, वाणी से और मन से, और बिना किसी फल की इच्छा के करता है, आसक्ति से रहित होकर करता है, वही सात्विक तप है अर्जुन। सत्कार मान पूजा अर्थम तपो दम्भेन चयवयत क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम मधुरम। जो सत्कार मान और पूजा के लिए कि मेरी स्तुति हो, मुझे लोग जाने, मुझे लोग देखें, या दम्भ में आकर तप करता है, ऐसे तप को राजसी तप बोलते हैं अर्जुन। और उसका फल भी बहुत देर तक नहीं रहता, वो क्षणिक होता है, क्षण भंगुर होता है, उसका जल्दी ही नाश हो जाता है। मूढ़ ग्राहेन आत्मेन आत्मनो, क्षमा कीजिए, मूढ़ ग्राहेन आत्मनो यत पीड़िया क्रियते तप प्रस्युत साधनार्थम तत्तामसम उदाहृतम। जो मूढ़ भाव में किया जाता है, दूसरे को कष्ट देने के लिए जिस तप को किया जाता है, दूसरे का अनिष्ट करने के लिए जो तप किया जाता है, दूसरे को पीड़ा देने के लिए जो तप किया जाता है, उसको अर्जुन तामसी तप बोलते हैं। वो तो मनुष्य को नीचे की ओर लेकर जाएगा। इसके अलावा जो भी आप करते हैं, वो जो आप अहंकार में आकर करते हैं, जो आप दंभ में आकर करते हैं, जो मद में आकर कर सकते, मैं इसको कर सकता हूं, उस तप को तो उन्होंने अशास्त्रीय तप बताया है। उसका कोई प्रयोजन नहीं है, उसका कोई मायने नहीं है। अशास्त्र विहितम गौरम त्यप्यन्ते ये तपोजना दम्भ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। जो शास्त्र में नहीं लिखा हुआ अर्जुन, जो मनुष्य काम के भाव में आकर या राग के भाव में आकर या बल को दिखाने के लिए जो तप करता है, वो अशास्त्र तप है, उसको करने का कोई प्रयोजन नहीं है। कृशंतः शरीरस्थम भूत ग्रामम चेत्स माच एवंतः शरीरस्थम तान विदासर निश्चयान। जो अपने शरीर को कृश कर देते हैं तप की परिभाषा में, कि मैं तप कर रहा हूँ इसलिए शरीर को जीर्ण क्षीण कर देते हैं,
वो मूढ़ हैं, वो मूर्ख हैं, वो जानते नहीं कि शरीर जिन पंचभूतों से बना है प्रत्येक भूत में मैं ही तो स्थित हूँ, वो मुझे ही कष्ट दे रहे हैं। आप प्रसन्न कर रहे हो अपने माँ को खुश करने के लिए और माँ को ही कष्ट देना शुरू कर दें तो वो कैसे बनेगी बात, तो माँ कैसे खुश होगी, कैसे प्रसन्न होगी। तो तप आपको जानना है, तप एक आंतरिक स्थिति है, थोड़ा सा शरीर से, थोड़ा सा वाणी से और बहुत सारा मन से, वही तप है। जैसे जैसे आप तप करेंगे आप धीरे 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 शुद्ध होते चले जाएंगे और आत्म साक्षात्कार का बोध हो जाएगा आपको। आप जीवन में इतना असीम आनंद की प्राप्ति कर जाएंगे कि आप स्वयं स्तब्ध हो जाएंगे ये जानकर कि ऐसा आनंद भी क्या संभव है। कबीर जी लिखते हैं, सहजे सहजे सब गए सुत बित कामिनी काम, एक में एक मिला रहा जब दास कबीर आराम। जब आप लगे रहेंगे मार्ग पर, चलते रहेंगे धीरे 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 सहजे सहजे, तो सब चले जाएंगे, सब प्रकार के विकार स्वतः ही आपको त्याग कर चले जाएंगे। विकार स्वार्थी मित्रों की भांति होते हैं, जब तक आप उनके साथ हैं तब तक वो आपके साथ हैं। जब आपके पास देने को कुछ नहीं है विकार स्वतः ही चले जाएंगे, स्वार्थी मित्र होता है ना, जब तक आपके पास कुछ है तो आपके साथ रहेगा, जब नहीं है तो चला जाएगा। तो ऐसे ही विकार हैं। जब आप अपना शरीर देने को तैयार हो, जब अपने विचार देने को तैयार हो, जब अपना मन देने को तैयार हो, जब आपके पास जो साधन है उसको देने को तैयार हो, तब तक विकार आपके साथ रहेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनको आपसे प्राप्ति हो रही है। परंतु जब आप त्याग में स्थित हो जाते हो, जब तप में स्थित हो जाओगे, जब धीरे धीरे आप उनसे दूर होना शुरू हो जाओगे, जब आप विकारों को बोलोगे मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैंने अपने आप को उस ईश्वर को समर्पित कर दिया है, तो आपके विकार भी धीरे 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 चले जाएंगे। एक में एक मिला रहा जब दास कबीर राम, जब अपने उस राम में आप मिले रहोगे, अलग नहीं होगे, तो विकार कहां से आपको पकड़ देंगे। परंतु ये सब कुछ संभव है तप से। तप करेंगे तो सब कुछ पा जाएंगे, बिना तप के नहीं होगा। क्या शास्त्रों का अध्ययन तप है, पढ़ना तप है? है, मात्र 10%। उससे आपको एक बुद्धि से ज्ञान तो आ जाएगा, परंतु बोध नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक एक संशय रहेगा। संशय का नाश तो अनुभव होने पर ही होगा। मुझे कोई बताए कि एक प्रकाश होता है, उसको जब प्रकाश आता है तो सब कुछ दिखने लग जाता है। मान लीजिए मैंने अपने जीवन में कभी प्रकाश को ना देखा हो, जब तक मैं ऐसा सुन रहा हूँ तब तक मेरा विश्वास किसी सूचना के आधार पर है, ज्ञान के आधार पर नहीं है। ज्ञान तो वही है जो भीतर से उत्पन्न होगा, बाकी सब तो सूचना है। परंतु जिस दिन मैं स्वयं प्रकाश को देख लूंगा, वो सब चीजें जिसको मैं रात्रि के अंधेरे में नहीं देख पा रहा था, प्रकाश के आने पर जैसे ही वो मेरे आंखों के आगे उनका नजारा आ जाएगा, उनका दृश्य आ जाएगा, तो मुझे अनुभूति हो जाएगी कि प्रकाश क्या है। बस यही अनुभूति करनी है आपको। सर्द्वारानी संयम में युक्त आसीत मत पर, जो सब द्वारों को, नौ द्वारों का ये शरीर है, जो जिसमें कान है, नाक है, आपकी आंखें हैं, मुख है, गुदा उपस्थ है, ये नौ द्वार हैं, जो सरद्वार, जब सब में संयम को धारण करके मुझ में जो चित्त लगा देगा अर्जुन, वही योगी है, वही तपस्वी है। तपस्वी का अर्थ ये नहीं आप पालथी लगाकर दिन में 24 घंटे ऐसे ही बैठे रहें, वो तप नहीं है। भगवान बुद्ध जब अपनी आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर थे, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन आता है, उनको अपनी प्राप्ति में 10 साल लगे। 10 वर्ष के उस समय में उन्होंने सब प्रकार का तप करके देखा। उन्होंने योग में स्थित होकर देखा, अघोर में स्थित होकर देखा, भक्ति में स्थित होकर देखा, भाव में स्थित होकर देखा, मंत्र का तप करके देखा, यंत्रों का तप करके देखा, तंत्र में जाकर देखा। उन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। एक समय पर उन्होंने अपने आप को इतना कृश कर लिया था, अपने शरीर को इतना क्षीण कर लिया था कि वो चलने लायक भी नहीं रहे थे। उन्होंने समस्त प्रकार के कंद मूल अन्न का त्याग कर केवल अपने शरीर के मल का ही भक्षण करना शुरू कर दिया था।
तो ऐसा करते हुए एक बार वो नदी के किनारे चले जा रहे होते हैं और इतनी अधिक कमजोरी के कारण गिर पड़ते हैं, तो उनमें उठने की शक्ति नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती कि मैं उठ सकूं, क्योंकि शरीर में बिल्कुल भी कोई अन्न, कोई पौष्टिक तत्व नहीं गया होता कितने ही महीनों से। तो पास में कुछ गायक लोग चले जा रहे होते हैं, उसमें से एक के पास वीणा होती है, वो बैठ जाते हैं वहां पर। तो एक दूसरा व्यक्ति उसको बोलता है, जिसके पास वीणा होती है उसको बोलता है, तू कभी भी ढंग से वीणा नहीं बजा पाएगा, क्योंकि या तो उसकी तारों को दिन रात छेड़ता ही रहता है, या तो इतना कस देता है कि हाथ लगाते ही टूट जाती हैं, या इतना ढीला छोड़ देता है कि बजती ही नहीं। उसी से भगवान बुद्ध को ज्ञान उत्पन्न होता है, एक उनको समझ आती है, एक सोच उनको नहीं मिलती है, एक दृष्टिकोण मिलता है, वो जान जाते हैं कि मैं भी अपने शरीर के साथ वैसा ही तो कर रहा हूं। तो फिर उन्होंने मध्य मार्ग को अपनाया कि मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे शरीर क्षीण हो जाए। हाँ, मुझे कोई पहलवान नहीं बनना है, मुझे कुश्ती नहीं लड़नी है, मुझे शरीर को बहुत रिष्ट पुष्ट नहीं करना है, परंतु मुझे शरीर को कृश भी नहीं करना है, क्योंकि तब की ये परिभाषा नहीं है कि आप अपने आप को जीर्ण क्षीण कर दें। इसलिए आपको अपना सत्य स्वयं खोजना है, जब अपना सत्य स्वयं खोजेंगे तो आपको तप की परिभाषा भी समझ में आ जाएगी, परंतु अभी के लिए आपको तीन प्रकार का तप करना है, शरीर से, वाणी से और मन से। शरीर से किए जाने वाला तप है आदर सम्मान देना, अहिंसा और ब्रह्मचर्य और सरलता। वाणी से किए जाने वाला तप है प्रिय वचन, सत्य भाषण भाषण कटुवाची कटुभाषी ना होना, और स्वाध्याय, थोड़ा सा अध्ययन, थोड़ा सा अभ्यास, ये वाणी का तप है। मन का तप है प्रसन्न रहना, प्रसन्न चेतसो आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, जो प्रसन्न रहता है उसी की बुद्धि सम है, वही समझता है कि वास्तव में ईश्वर क्या है। यदि दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है, दोनों मन की ही तो परिभाषा है, ईश्वर ने जो भी दिया उसको हम हाथ जोड़ के स्वीकार करेंगे, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू वेरी मच जो आपने दिया, वही मन का तप है। अपने आप को लगातार शुद्ध करते चले जाना, करते चले जाना, करते चले जाना, जिस विकार को जहां आपका बोध हो उसको वहीं पर खत्म कर देना, धीरे 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 विकार रहे ही नहीं जाएंगे, वही मन का तप है। और सात्विक भाव में तप को करना है, ना तो किसी फल की इच्छा से तप करना है, ना ही किसी को पीड़ा देने के लिए तप करना है, ना ही किसी को दिखाने के लिए तप करना है। जो दिखाने के लिए तप किया जाता है वो राजसी तप है, जो पीड़ा देने के लिए तप किया जाता है वो तामसी तप है। हमको किसी को कुछ नहीं दिखाना है, हमको अपने भीतर की स्थिति को खोजना है, हमको भीतर जाना है, उसी तप में स्थित होना है। यदि दिखाने के लिए तप करेंगे तो तप आपको तपा देगा। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरत जाई। चला था ठाकुर जी को ढूंढने, अपनी राह भूल गया। जो बूंद समुद्र में समा जाए तो अपना अस्तित्व तो खो ही बैठेगी। यदि आप तप को दिखाने के लिए करेंगे तो अपने अस्तित्व को एक नकारात्मक ढंग से खो देंगे। तप आपको तपा देगा, भोग आपको भोग डालेंगे, विकार आपको खा जाएंगे। वैसे अस्तित्व को नहीं खोना है कि आप विकारों के होकर रह जाओ, आपको अस्तित्व खोना है ईश्वर प्राप्ति में, आप ईश्वर के बन जाओ। जब उस अस्तित्व को खो दोगे तो एक बहुत बड़ा विशाल अस्तित्व मिलेगा, अन्यथा जो झूठा अस्तित्व है आपको, वो कितना ही विशाल क्यों ना हो, एक धूल के कण से भी एक करोड़ गुना छोटा ही रहेगा। तो तप को जानिए, तप को तपिए, तप आपको ना तपाए। ऐसा मत कीजिए कि तप आपको तपा दे। कुछ तप के अंदर शास्त्र की विधि है, जहां विधि है उसका विधि से आप शुरू कर सकते हैं, बाद में स्वतः ही स्वयं का भाव मिलेगा और विधि प्राप्त हो जाएगी। यह शास्त्र विधि मुत्सर्जय वर्तते कामकारत नासा सिद्धि माप्नोति न सुखम न परामगतिम। भगवान बोलते हैं अर्जुन, जो शास्त्र की विधि का त्याग करके अपने ही मन से तप करता है, ना तो उसको सिद्धि अर्थात सफलता मिलती है, ना ही सुख मिलता है, ना ही परम गति मिलती है। तो शुरू तो आपको विधि से करना होगा। विधि से शुरू करेंगे
धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जब आप ज्ञान के अनुरूप, जब वेदों के अनुरूप, जो शास्त्रों के अनुरूप जब तप को शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आपका अंदर से जब भाग जागृत होगा, भाव जागृत होगा, तो आप जान जाएंगे कि मुझे किस विधि में स्थित होकर करना है, मुझे किस प्रकार का तप करना है। जब तक वो ज्ञान नहीं है तो किसी विधि को पकड़ लीजिए जो भी आपको भाती हो, परंतु तप वाणी मन और शरीर तीनों से करना है। एक से करेंगे काम नहीं होगा, दो से करेंगे थोड़ा सा काम होगा, पूरा करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थिति ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्ता कर्म कृत महर्षि। जब कुछ नहीं पता हो अर्जुन, तो शास्त्र ही तेरा प्रमाण है, क्या कार्य है, क्या अकार्य है, क्या कर्म है, क्या अकर्म है। बहुत बार मनुष्य को नहीं पता होता कि मैं जो करने जा रहा हूं क्या वो उचित है या अनुचित है। जब तक भीतर से ज्ञान नहीं है, आपके मन में यह दुविधा रह सकती है, आपके मन में यह प्रश्न हो सकता है, उस समय आपको शास्त्र के पास जाना है। वही तेरा कार्य का या कार्य का प्रमाण है अर्जुन। जिस प्रकार पुत्र का प्रमाण मात्र पिता माँ होती है, केवल माँ ही बता सकती है कि पुत्र का पिता कौन है, इसी प्रकार केवल शास्त्र बता सकता है कि कर्म की क्या परिभाषा है। अपनी बुद्धि से नहीं समझा जा सकता इसको। तो यही है तप में स्थित होना, यही है तप की परिभाषा। जैसे जैसे आप तप की ओर बढ़ते चले जाएंगे, आप तपस्वी हो जाएंगे। जब तपस्वी हो जाएंगे, तेज आप में से ऐसे फूटेगा जैसे सूर्य से प्रकाश। जब वैसा होगा, जो भी आपके आस पास आएगा, जो भी आपके संपर्क में आएगा, जो भी आपकी दृष्टि में आएगा, जो भी आपका स्पर्श पा जाएगा, वो भी शुद्ध हो जाएगा। स्वयं का तेज बनाकर रखिए, विश्व का कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। परंतु बिना तप के कुछ नहीं हो सकता। योग का तप थोड़ा सा अलग है। समम काया शिरो ग्रीवम, एक सम होकर सिर और ग्रीवा और अपने शरीर मेरुदंड को सीधा रखना है, किसी और नहीं देखना। संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम सम दिशाच नवलोकन, वो किसी और समय बताएंगे कि योग का तप क्या है। तप को तप की भांति करेंगे तो ही तपस्वी होंगे, तो ही आत्म साक्षात्कार होगा। आधा तप और आधा जप और आधा खप, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब जो करना है पूर्ण रूप से उसमें डूब जाइए, उसी के हो जाइए, फिर बहुत सुलभ हो जाएगा, सब संशय मिट जाएगा। फिर आपको समझ आएगा उसका क्या अर्थ है। जब सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही, फिर दीपक दिखेगा आपको। बस मुझे इतना ही कहना था। तपस्वी होइए, अच्छे तपस्वी बनिए, और स्वयं से उस सुख का, उस ज्ञान का, उस आनंद की अनुभूति कीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।